जैसे काशी के बारे में यहाँ बता रखा है कि काशी काश, यहाँ बता रखा है काशी काश 466 पेज नंबर पर बता रखा है। तो हम 466 पेज नंबर पर देखते हैं। चौंसठ, पैंसठ, ये 466 पेज नंबर पर, 466 पेज नंबर है ये काशी के बारे में कहाँ बता रखा है देखते हैं। ये बता रखा है इसमें काशी और दमा, पीपल के सूखे पत्ते को खूब कूटना चाहिए, पीपल के सूखे पत्ते को खूब कूटना चाहिए, जब पाउडर से पाउडर सा बन जाए तब उसे कपड़े से छान लेना चाहिए, लगभग अठन्नी भर चूर्ण में दो भर मधु मिलाकर एक महीना प्रातः चाटने से दमा में स्पष्ट फायदा होता है, काशी की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर बता रखा है तुलसी 442 पेज नंबर पर, 444, 579, 617, 620, 621, 623, ये पेज नंबर है। इन पेज नंबर पर तुलसी के बारे में बता रखा है। तो हम 442 पेज नंबर पर देखते हैं। ये 442 पेज नंबर है, तुलसी के बारे में कहाँ बता रखा है देखते हैं। तुलसी एक जीवनदायक पौधा, तुलसी का हिंदू संस्कृति में अत्यधिक धार्मिक महत्व है, इस रूप में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी का हमारे औषधि शास्त्र से भी अत्यंत गहरा संबंध है, लगभग सभी रोगों में अनुपान भेद भेद और मिश्रण के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी या मकरध्वज आयुर्वेद जगत में प्रत्येक रोग में काम आने वाली औषधियों में प्रमुख है, जिसकी प्रयोग विधि जान लेने से वैद्य संसार के लगभग सभी रोगों से लड़ सकता है। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत आदि के अनुसार तुलसी की उत्पत्ति की अनेक कथाएं हैं, पर एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन करते समय जब अमृत निकला तब कलश को देखकर श्रम की सार्थकता से अभिभूत होकर देवताओं के नेत्रों से अश्रुस्राव हो उठा और उन बूंदों से तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी को अंतर्राष्ट्रीय जगत में ओसिमम सेंक्टम के नाम से जाना जाता है, जिसके 22 भेद हैं, किंतु मुख्यतया यह कृष्ण तुलसी, श्वेत तुलसी, गंधा तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी, बिल्व गंध तुलसी, बरबरी तुलसी के नाम से जानी जाती है। ये तुलसी के बारे में बता रखा है। आयुर्वेद के मत से तुलसी का कटु तिक्त रस हृदय ग्राही और पित्तनाशक है, यह कुष्ठ पथरी रक्त दोष पसलियों के दर्द चर्म रोग कफ और वायुजनित रोगों का नाशक है। कृष्ण और शुक्ल दोनों तुलसी के गुण समान है। तुलसी काष्ठ धारण करने से शरीर की विद्युत शक्ति नष्ट नहीं होती, इसी कारण उसकी माला पहनने का प्रचलन है।